हरियाणा में टिकटों को लेकर दो केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने बीजेपी हाईकमान की उलझने बढ़ा दी हैं। अमित शाह ने मंत्रियों और सांसदों के परिवारों को टिकट नहीं देने का फैसला लिया है, लेकिन इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी और कृष्णपाल अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर बैठक की और बैठक की अध्यक्षता किरण चौधरी ने की। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजो समेत तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम सदस्यों की तरफ से सुझाव लिए गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है। हरियाणा में 90 सीटों के लिए चुनाव होंगे। हरियाणा में 2 नवम्बर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नरवाना के लघु सचिवालय में चुनाव अधिकारी जयदीप ने चार्ज संभाल लिया है, लेकिन आज किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। वहीं पार्टी के प्रत्याशी सरकारी अवकाश को छोड़कर 11 से 3 बजे तक 4 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे। जगाधरी विधानसभा में चुनावी दंगल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी से जगाधरी के विधायक और विधानसभा स्पीकर के पद पर रहे कंवरपाल गुर्जर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे अकरम खान एक बार फिर से जगाधरी विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई एनएलओ की पूर्व प्रत्याशी अनिता खांडा ने घर वापसी कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश चंद्र कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, यहां 3-3 करोड़ रुपए में टिकट दी जाती है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अनिता खांडा के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसएसपी को शिकायत की है, साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी सौंपा है। दिग्विजय का कहना है कि ऑडियो क्लिप में पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी पर साजिश सृष्टि का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव के चलते इंद्री में महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में राज्य मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और आने वाले चुनाव में एकजुट होकर काम करने के निर्देश भी दिए। पिछले कुछ दिनों से जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, उससे महंगाई चुनाव का गणित ही ना बिगाड़ दे। महंगाई से लोगों में भारी नाराजगी है और सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। दुनिया में भारत प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी देश में प्याज का संकट पैदा हो गया है और कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से पहले भी कई बार सरकारें भी बदली गई हैं। बल्लभगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र पर आज पोषण अभियान कार्यक्रम किया गया, जिसमें पोषण के बारे में महिलाओं और बच्चों को बताया गया वो किस तरीके से अपने खानपान से अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। वहीं आंगनवाड़ी संचालिका हेमलता ने बताया कि अभियान शहर में ही नहीं गांव देहात में भी चलाया जा रहा है। इस अभियान को जन जन तक पहुँचाना है और उन्हें पोषण के प्रति जागरूक भी करना है।